बहुत शुक्रिया इस्लामी, आपने ये प्रोवाइड किया। मेरा मैं चार प्लीज एक्सीडेंट्स एनालिसिस एंड रिसर्च है कि व्हाट आर द रीजंस एंड कॉजेस ऑफ एन एक्सीडेंट्स एंड व्हाट कुड बी द प्रिवेंटिव मेजर्स। मैं तीन चीज़ें आपसे पूछना करूँगी। जैसे रिजवान भाई ने कहा, आप में से आपकी फैमिली मेम्बर्स ये सदका जारिया समझ के प्लीज़ हॉल में बैठे तमाम अफराद मेरी बात सुनिएगा, सदका जारिया समझ के आपके अजीज अकारिब फैमिली मेम्बर्स पड़ोसी दोस्त अहबाब जिनकी उम्रें 18 साल से ज़्यादा थी, 18 और ज़्यादा थी, उनका अक्टूबर 2016 के बाद रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है। आप रिजवान भाई को बताएं, सत्संग गवर्नमेंट उसको 1 लाख रुपये देती है, हम उसको मॉनिटर करते हैं। 1 लाख रुपया किसी इंसान के जान की कीमत कोई नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के लिए कुछ ज़्यादा होता है, तो वो हम प्रोवाइड करेंगे। आप रिजवान साहब को पर्टिकुलर दे दीजिएगा, वो हम दे देंगे। सेकेंडली आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर आप हेलमेट पहनते हैं आप बर मेहरबानी बैकिंग मिरर्स लगाएं। नंबर 3, जितने वो पेरेंट्स बैठे हैं और जितने मेरे भाई दोस्त, आप प्लीज़ आईफोन ना लें। आप कोई 20-25 हज़ार रुपये वाला फ़ोन इस्तेमाल करें, लेकिन खुदा के वास्ते हेलमेट महंगा और अच्छा लें, ये आपकी जान बचा लें। नंबर 3, हम लास्ट वीक से शुरू करें वाव के नाम से वुमन ऑन व्हील्स। मैं रिजवान भाई से गुजारिश करूँगा, वो मेरी बेटियाँ, मेरी बहनें, मेरी माएँ जो मोटरसाइकिल चलाना जानती हैं, जो गाड़ी चलाना जानती हैं, वो हमारे साथ अलाइन हो जाएं। हम एक आगे प्रोग्राम शुरू करने वाली है सिंध पुलिस भी, सिंध गवर्नमेंट भी, सिंध पुलिस के साथ हम वाव के नाम पे आगे मूव ऑन करने वाले हैं वुमन ऑन व्हील्स, ताकि हम आपको रास्ता दें बजाय पब्लिक सर्विस गाड़ी पे बैठने के, आपके पास अपनी मोटरसाइकिल हो या कोई और मामला। तो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हरी साहब के लिए जबरदस्त क्लैपिंग हम सब करेंगे।